सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। हाँ, ये वीडियो यार सच्ची कहूँ तो 28 डेज के बाद आ रही है। अब मेरे को किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों को पता ही होगा मेरे ख्याल से कि मेरे चैनल पे दो स्ट्राइक्स थे। मतलब फर्स्ट जब स्ट्राइक हटा एंड देन मैं तैयार हुआ कि हाँ मैं वीडियो बना लूँ, उसी के दिन के मतलब शाम के टाइम पे मुझे एक और स्ट्राइक पड़ गया। एंड भाई मैं भाई पूरी तरह से वहाँ पे एकदम टूट गया था। एंड देन जो पुराना जो स्ट्राइक था वो हट गया अभी। एंड अभी भी मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक है। एंड ये इतना बड़ा गैप लेने का सबसे बड़ी वजह स्ट्राइक ही नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सी वजह है। लाइक मेरा रिजल्ट आना था, उसके बाद मेरे को कॉलेज ढूंढना था, एंड इतनी सारी चीज़ें थी। एंड भाई छुट्टियों का टाइम है, दोस्त वोस्त आए हुए थे तो उतना टाइम नहीं मिल पाया। एंड स्ट्राइक इशू भी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े दिन इसको रहने देते जब तक हमारा सेकेंड स्ट्राइक ना हट जाए। एंड फाइनली मैंने जिस दिन अनाउंसमेंट की थी 4 या 5 दिन पहले, तब मेरा सेकेंड स्ट्राइक हट चुका था। एंड उसके बाद मैं वीडियो थोड़ा बना नहीं पाया, थोड़ा प्रॉब्लम था। एंड अब भाई मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है। अब से मे भी शायद 1-2 दिन के गैप में वीडियो आए, बट आएगी वीडियो, ठीक है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है 5 ऐसे गेम्स के बारे में जो कि भाई तुम्हारे पीसी में वर्क करेंगे। अब देखो, ये वीडियो मोबाइल डिवाइसेस वाले गेम्स की नहीं होने वाली है। जिनको भी भाई मोबाइल डिवाइसेस के टॉप 5 पोकेमॉन गेम्स ही हैं, उसी लिए जो भी बंदे आए हैं गलती से धोखेबाजी से थंबनेल पे क्लिक करके, तो वो लोग भाई सुन लो। तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स में मैं वीडियोस की लिंक लगा दूंगा। 3-4 वीडियोस बना चुके हैं हम लोग टॉप 5 पे। एंड हमारे चैनल पे तो भाई टॉप 5 मोबाइल गेम्स की तो यार इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तुम लोग उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेकआउट कर लेना, वहाँ पे नई नई देखने को मिलेगी। अब देखो, सबसे पहली चीज़ मैं ये बना रहा हूँ कुछ ऐसे बंदों के लिए जो भाई पीसी लेके बैठे हुए हैं, जिनके पास यार ऐसी चीज़ है कि यार पीसी में पता है ना तुम लोग को बहुत से कम लोग वीडियो बनाते हैं उस पर। एंड ऊपर से भाई यार क्या करे बंदे, यार उनको जुगाड़ भी नहीं मिल पाता उस चीज़ का। इस वीडियो में तुम लोग को जेन्युइन गेम्स मिलने वाले, लाइक वो चीज़ नहीं है कि मैं कोई ऐसे गेम्स लाइक सॉरेंसी लच को भिगा वगैरह वो सब दे दूँ, वो नहीं। वो सब नॉर्मल गेम्स है, वो सब अलग आते हैं कैटेगरी में, उन सब के अलग। मतलब जो नॉर्मली गेम्स अवेलेबल है पीसी के लिए ऑलरेडी, ठीक है, मतलब जो पीसी के लिए बने हुए हैं वो गेम्स तुम लोग को आज देने वाला हूं पोकेमॉन के। तो बस इस वीडियो को एक लाइक कर दो। एंड अगर तुम्हें सारे गेम्स का जुगाड़ तुम लोग को पता ही है, कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा लिंक, खोलना एकदम ईजी है, सीख जाओगे। कमेंट बॉक्स में उसकी भी एक छोटी सी शॉर्ट देखने को मिलेगी। एंड तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब करो, इतने दिन से देख रहा हूँ सब्सक्राइब रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। एंड हमें 50K हिट करना है। एंड भाई सेम फाइनल तो सिल्वर प्ले बटन ले लिया, हम लोग को भी लेना है यार, जल्दी से हिट करो एंड 100K हिट करवाओ भाई। अब जो भी बंदा यार इसी रिलेटेड इशू से आया, लाइक उसको पीसी के गेम्स चाहिए, तो वो लोग भाई इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड पूरी देखना, सब जुगाड़ मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे ऊपर एक तगड़ा गेम आता है जिस गेम का नाम है पोकेमॉन फायर रेड 3D रीमेक वर्जन। एंड लिटरली कहो भाई, इस गेम को मैंने जब ट्राई किया मुझे पता चला कि भाई इस गेम के जो ग्राफिक है एकदम धांसू लेवल है। एंड भाई इसकी जो शेडोज है, ग्राफिक्स है, एंड जो भी भाई आजू बाजू का जो भी सीनरी वगैरह थी ना भाई, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। ऊपर से भाई एक ओपन वर्ल्ड टाइप का एडवेंचर है, लाइक हम कहीं पर भी जा सकते हैं, पूरी दुनिया भाई ऐसे खुली हुई है, कहीं पे भी जाओ एंड किसी के भी घर में घुस जाओ। बट फिलहाल हमें प्रोफेसर के घर में जाना है, ठीक है। अब भाई लिटरली कहूँ, गेम ने मेरे पूरे दिल को जीत लिया। एंड इसे तुम्हें ट्राई करना चाहिए, इसमें बहुत सी सिटीज़ है, पूरा एडवेंचर है, बस थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, तो वो तुम थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। बाकी सब चीज़ें इसमें बेस्ट है। तो अगर तुम लोग इसे ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में इसका जुगाड़ प्रोवाइड कर दूंगा। एंड भाई एक अच्छी सी लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो बस तुम एक अच्छा सा लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आने वाले गेम की, जिस गेम का नाम है पोकेमॉन DX टूर्नामेंट। अब इस गेम को तो भाई तुम जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी यूट्यूबर के स्टार्टिंग के वीडियोज़ में तुम लोग ने इसे देखा होगा। एंड गेम प्लेज भी बहुत से लोग करते हैं। एंड मतलब नॉर्मली अपनी कैटेगरी में बात करें जो गेम्स देते हैं यूट्यूबर्स, वो लोग भाई इसकी गेम प्लेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई ये गेम भाई लिटरली बहुत अच्छा है। एंड सच कहूँ, ये जो गेम प्ले चल रहा है इसका क्रेडिट ज़्यादा भाई लोग के अड्डा को भाई, तो उनके चैनल को चेकआउट कर लेना, वैसे सब लोग जानते ही उनको। तो हाँ, अब नॉर्मल सी चीज़ कहूँ तो भाई ये गेम मुझे इतना पसंद आया क्योंकि भाई इसमें एकदम टूर्नामेंट टाइप बैटल होता है। एंड हमें भाई अपने पोकेमॉन्स को अच्छे से कंट्रोल करके भाई सामने वाले पोकेमॉन को बस रख रख के देना होता है। अब गेम की सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी कि भाई गेम में तुम लोग को इतने सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे भाई, जो तुम्हें पसंद हो, 4000 5000 सब कुछ है। एंड इस गेम को तुम लोग ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सा पीसी है, लाइक ठीक है। अब अगर इसमें वर्क ना करेगी किसी के पीसी में, तो ये एक छोटा सा वर्जन है इसका, बैटल रिवॉल्यूशन करके इसका जो सेकंड वर्जन, मतलब समझो कि ये सेम टू सेम पोकेमॉन DX टूर्नामेंट जैसा ही गेम है, बस ग्राफिक थोड़े लो है, बट इसमें पोकेमॉन सारे पोकेमॉन DX टूर्नामेंट वाले ही है।
एंड ये उसका सेकेंड गेम है, इसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ये एक लो एंड पीसीज के लिए जिनके पास भाई इतना तगड़ा पीसी नहीं है एंड भाई डीएक्स टूर्नामेंट जैसे गेम्स का मजा लेना चाहते हैं, टूर्नामेंट टाइप बैटल, तो भाई तुम इस गेम को ट्राई कर सकते हो। इसके थोड़े ग्राफिक थोड़े कम है बट तुम्हें इसे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर तुम्हें एक ऐसे टाइप के गेम पसंद है जिसमें टूर्नामेंट हो। अब नेक्स्ट गेम बात करें जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग पे है एंड उस गेम का नाम तुम लोगों को पता ही है, पोकेमॉन जर्नीस एडिशन। अब इस गेम के बारे में मैंने दो वीडियोस बनाई थी, दोनों वीडियोस भाई यूट्यूब दादा ने डिलीट करवा दी एंड उन्हीं की वजह से, एक की वजह से मुझे एक स्ट्राइक पड़ा था। तो अब तुम लोग समझो यार इस गेम को मैं क्यों सिंगल वीडियो में नहीं ले पाता हूँ एंड भाई इस गेम की प्रॉब्लम्स पता नहीं क्या चल रही है यार, पता नहीं क्या है उनको प्रॉब्लम, अब वो उनको ही पता है। तो टॉप 5 के बीच मैंने इसको लिया है तो शायद कुछ ना हो वीडियो पे एंड शायद हम बचे रहे पता नहीं, और इस गेम का जुगाड़ मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तुम लोग ट्राई कर सको। भाई ये गेम लगता ऐसा है कि भाई मोबाइल में वर्क कर जाएगा, जॉय प्ले में भाई मैं टेस्ट कर करके तंग हो गया, बस वर्क नहीं कर रहा है वो एंड ये वर्क कर रहा है अपने पीसी में। एंड किसी ने मुझे कुछ जॉय प्ले की गलत न्यूज़ दे दी थी थोड़े दिन पहले, तो मैंने उस पर बिना सोचे समझे एक वीडियो बनाया था, उसके लिए बहुत माफ़ी मांगता हूँ तुम लोग को एंड मैंने वो बाद में वीडियो डिलीट भी कर दिया था, तो अब तुम लोग समझ पा रहे होगे। एंड अभी तो भाई मैं फुल एनालाइज़ करके ही वीडियोज़ बनाता हूँ जिससे तुम लोग को ऐसा ना लगे कि भाई तू भाई ऐसे फेक न्यूज़ दे रहा है बस, ठीक है। तो अब ये गेम तुम लोग अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो, ये तुम्हारे एक लो एंड पीसी में भी वर्क कर जाएगा भाई। अगर तुम्हारे पास एक लो एंड पीसी है लाइक 4GB रैम 2GB रैम वाला पीसी वर्क कर जाएगा भाई, आराम से वर्क कर जाएगा। तुम्हें बस एक पीसी चाहिए इस गेम को वर्क कराने के लिए, भले वो लो एंड हो या फिर हाईर लेवल का, वो तुम्हारे ऊपर है एंड इस गेम को ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। हाईली 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 रिकमेंडेड है अगर तुम एक एडवेंचर टाइप गेम्स प्ले करते हो एंड आजकल तो जर्नीस का बहुत ज़्यादा ही भाई चल रहा है सीजन, तो ठीक है। अब फाइनल गेम हमारा है पिक्सल मॉन एडिशन, पोकेमॉन पिक्सल मॉन एडिशन, जिसका भाई मैंने गेम प्ले भी बनाया था, तुम लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एपिसोड 2 देखेंगे बाद में थोड़े दिन में, बट भाई इस गेम को खेलने में मुझे लिटरली इतना ज़्यादा मज़ा आया, मैंने इसको 3 से 4 घंटे खेला था एंड उसमें से कट कट करके मैंने भाई तुम लोग को गेम प्ले बताया था कुछ 20 से 25 मिनट का, जो कि यार बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तुम इसे ट्राई कर सकते हो उस गेम को भी तुम्हारे पीसी में, बस तुम लोग को माइनक्राफ्ट को करना है एंड उसके बाद उसे थोड़ा पिक्सल मॉन एडिशन में थोड़ा चेंज कर लेना है एंड वो सब करने के लिए तुम्हें यूट्यूब दादा पे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें फुल प्रोसेस मिल जाएगा। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में इसकी एक वीडियो दे दूंगा फुल प्रोसेस वाली, तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो एंड अगर भूल जाओ तो भाई तुम यूट्यूब पे सर्च कर ही सकते हो भाई, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। अब देखो मैंने जो भी गेम्स बताया वो कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ के नहीं है, एक नॉर्मल सी साइज़ की गेम्स है एंड एक दो गेम जैसे पोकेमॉन डीएक्स टूर्नामेंट वो थोड़ा बड़ा गेम है, बाकी तुम वो भी ट्राई कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। एंड बाकी यार अगर मोबाइल के लिए गेम्स चाहिए चैनल पे पूरे भरे हुए हैं एंड पीसी के लिए कभी कभार बनाते हैं, तो अब अगर तुमने देखी हो यहाँ तक वीडियो तो लाइक कर देना। और अभी मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को छोड़ के एंड मिलेंगे दो वीडियो के बाद, मतलब दो दिनों के बाद, दो वीडियो के बाद क्यों बोल रहा हूँ मैं, हाँ दो दिनों के बाद मिलेंगे एंड शायद कल भी बना सकता हूँ, परसों भी बना सकता हूँ एंड एक दिन और भी डिले हो सकता है, अब वो अपने ऊपर है अपनी किस्मत के ऊपर है, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लाइक ज़रूर कर देना।